जनपद संभल की कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशियान निवासी महिला की 4 माह पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। ससुराल पक्ष ने आनन फानन में महिला को दफनाया। मृतिका की मां ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए ससुरालियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कब्र से महिला का शव निकलवाया और पीएम के लिए भेज दिया। एबीपी इंडिया न्यूज की विशेष कवरेज। क्या नाम है आपका? मेरा नफीस बानो। क्या मामला है ये पूरा? ये मेरी लड़की को मार दिया और अब मैंने केस कर दिया था। आप भेज रहा के इसकी कब्र मत खुदवाओ। मैं अपनी बेटी को इंसाफ चाहती हूँ। आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरी बेटी को मारा है, इसने इलाज नहीं करवाया, मेरे घर। किसने मारा है? इसने, मेरे दामाद ने मारा। क्या नाम है दामाद का? इकरार। कहाँ रहता है? कुरैशियान मोहल्ले में। शादी को कितने दिन हुए थे इसकी? 2.5 साल में मार दिया उसने मेरी बेटी। बच्चा था इस पे कुछ? हाँ, एक लड़का है। लड़के को भी अलग कर दिया पहले ही। कितना बड़ा लड़का है? लड़का 1.5 साल का है। लड़के के लिए भी रोते रोते मर गई वो। अब प्रशासन से क्या मदद मांग रही हैं आप? मैं मांग रही हूँ मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आप मुझे गाली बक रहा है, मेरे घर आके बकता है, मुझसे कहता है मैं इतना पैसे वाला हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं हूँ गरीब, मैं अपनी बेटी को, जिस टाइम मेरी बेटी बीमार थी तो मैं सब जगह ले लेके भागी, उस टाइम भी मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। भेज हुई मैं एंड टाइम पे मेरी बेटी को मिलाप करके और भेज दिया गया। इस समय आप कहाँ खड़ी हैं? मैं कब्रिस्तान में खड़ी हूँ अपनी बेटी की कब्र के पास। कौन सी जगह है ये? कब्रिस्तान गेट के कब्रिस्तान है। जा रहे गेट कब्रिस्तान है चंदोसी।